नमस्कार, मैं मनोज शाश्वत शाश्वत साहित्य सरिता मंच के फेसबुक लाइव से। ये संस्था हमारी बहुत प्रिय संस्था है। हमने बड़े उत्साह के साथ इस संस्था का ये कार्यक्रम शुरू किया है फेसबुक लाइव। मैं आभारी हूँ इस संस्था के संरक्षक डॉक्टर हरीश नवल साहब का, जिनका मार्गदर्शन हमें समय समय पर मिलता रहा है, मिलता रहता है। और मैं आभारी हूँ हमारी अध्यक्षा सरिता जैन जी का, हमारी टीम की बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर हैं। और मैं नाचीज़ इस संस्था का महासचिव हूँ। मैं अपने कलाम की शुरुआत एक हिंदी गज़ल से करता हूँ। कौन सा पथ लक्ष्य का है ये तो असमंजस नहीं था, कौन सा पथ लक्ष्य का है ये तो असमंजस नहीं था, तोड़ दूँ पामों के बंधन किंतु यह साहस नहीं था, तोड़ दूँ पामों के बंधन किंतु यह साहस नहीं था, और होगी कुछ अच्छाई मुझ में कुछ कमी तुझ में भी होगी, होगी कुछ अच्छाई मुझ में कुछ कमी तुझ में भी होगी, तू कहाँ का देवता था मैं भी तो राक्षस नहीं था, तू कहाँ का देवता था मैं भी तो राक्षस नहीं था। मैं एक गज़ल के कुछ शेर आपके सामने रखता हूँ। लगा ठोकर ये छूटा ख्वाब टूटे, लगा मैं इस गज़ल के मतले और शेर को आपके सामने दोबारा रखता हूँ। लगा ठोकर ये बेहिस जिस्म हिलडुल जाए तो बेहतर, लगा ठोकर ये बेहिस जिस्म हिलडुल जाए तो बेहतर, ये झूठा ख्वाब टूटे नींद भी खुल जाए तो बेहतर, ये झूठा ख्वाब टूटे नींद भी खुल जाए तो बेहतर। और ये मोहब्बत आग का दरिया है, तो इस आग के दरिया के लिए मैं ये मिसरे कहना चाहता हूँ। किनारे बैठकर इस आग के दरिया को क्या देखूँ, किनारे बैठकर इस आग के दरिया को क्या देखूँ, मेरी ये रूह गर दरिया में ही घुल जाए तो बेहतर, मेरी ये रूह गर दरिया में ही घुल जाए तो बेहतर। और ये शेर भी देखिए, जो आया तो है पर आया है फिर से छोड़ जाने को, जो आया तो है पर आया है फिर से छोड़ जाने को, वो मेरी ज़िंदगी से अब जो बिल्कुल जाए तो बेहतर, वो मेरी ज़िंदगी से अब जो बिल्कुल जाए तो बेहतर। और ये शेर देखिए, चला एक बार फिर खंजर, चला एक बार फिर खंजर लहू को और बहने दे, चला एक बार फिर खंजर लहू को और बहने दे, जो दिल पर छाप बाकी है तेरी धुल जाए तो बेहतर, जो दिल पर छाप बाकी है तेरी धुल जाए तो बेहतर। एक मतला और कुछ शेर पेश करता हूँ। शिकस्ता ख्वाब, शिकस्ता ख्वाब आँखों में कयामत कर रहा है, शिकस्ता ख्वाब आँखों में कयामत कर रहा है, ये मंजिल की तरफ बढ़ने में दिक्कत कर रहा है। और दौरे हाजरा पे ये एक शेर देखिए, अगर सूरज उगा तो दीप को बुझना पड़ेगा, अगर सूरज उगा तो दीप को बुझना पड़ेगा, यूं दीपक खुद अंधेरों की हिमायत कर रहा है, यूं दीपक खुद अंधेरों की हिमायत कर रहा है। और ये देखिए, तुझे नज़दीक आने से भला कैसे मैं रोकूं, तुझे नज़दीक आने से भला कैसे मैं रोकूं, तेरा दिल आज खुद तुझसे बगावत कर रहा है, तेरा दिल आज खुद तुझसे बगावत कर रहा है। और ये शेर देखिए,
मेरे दुश्मन के हाथों भेजता है वो दवाएं, मेरे दुश्मन के हाथों भेजता है वो दवाएं, वो अपने ढंग से मुझ पर इनायत कर रहा है, वो अपने ढंग से मुझ पर इनायत कर रहा है। और ये शेर देखिए खुसूसी तौर पे, तेरी इस जुल्फ के खम से शिकायत है मुझे यूं, तेरी इस जुल्फ के खम से शिकायत है मुझे यूं, तेरे रुखसार से कैसी शरारत कर रहा है, तेरे रुखसार से कैसी शरारत कर रहा है, शिकस्ता ख्वाब आँखों में कयामत कर रहा है, ये मंजिल की तरफ बढ़ने में दिक्कत कर रहा है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक गज़ल तरन्नुम से, सावन भादो के नाम आप लोगों को नज़र करता हूँ। भीगे बारिश में लब जैसे गुल शबनमी, भीगे बारिश में लब जैसे गुल शबनमी, आज बारिश ने छोड़ी कहाँ कुछ कमी, भीगे बारिश में लब जैसे गुल शबनमी, आज बारिश ने छोड़ी कहाँ कुछ कमी, भीगे बारिश में लब जैसे गुल शबनमी, आज बारिश ने छोड़ी कहाँ कुछ कमी, दो सितारों से नजरें मिली क्या जरा, रह गई ये नजर बस थमी की थमी, भीगे बारिश में लब। मन के एहसास को ये भिगो कर गई, नर्म भीगी हवा रेशमी रेशमी, मन के एहसास को ये भिगो कर गई, नर्म भीगी हवा रेशमी रेशमी, भीगे बारिश में लब जैसे गुल शबनमी, आज बारिश ने छोड़ी कहाँ कुछ कमी, अब के सावन में शायद ये धुल जाएगी, एक तस्वीर पर गर्द जो है जमी, अब के सावन में शायद ये धुल जाएगी, एक तस्वीर पर गर्द जो है जमी, भीगे बारिश में लब जैसे गुल शबनमी, आज बारिश ने छोड़ी कहाँ कुछ कमी, जुल्फ काली घटा की तरह उड़ चली, दिल का थोड़ा बहकना तो है लाजमी, जुल्फ काली घटा की तरह उड़ चली, दिल का थोड़ा बहकना तो है लाजमी, भीगे बारिश में लब जैसे गुल शबनमी, आज बारिश ने छोड़ी कहाँ कुछ कमी। गौरव भाई को ये गज़ल पसंद है, मैं एक गज़ल गौरव भाई की फरमाइश पे पेश करता हूँ। दूर ढंग से तुम मुझसे हुआ ही नहीं, दूर ढंग से तुम मुझसे हुआ ही नहीं, सच तो ये है कि तू बेवफा ही नहीं, दूर ढंग से तुम मुझसे हुआ ही नहीं, सच तो ये है कि तू बेवफा ही नहीं, और इस दफ़ा छोड़ना मत कोई भी कसर, इस दफ़ा छोड़ना मत कोई भी कसर, दर्द वो भी क्या जो लादवा ही नहीं, दर्द वो भी क्या जो लादवा ही नहीं। और ये देखिए, एक दो जन्म में पा ही लूँगा तुझे, एक दो जन्म में पा ही लूँगा तुझे, चंद बरसों का तो फासला ही नहीं, चंद बरसों का तो फासला ही नहीं। और ये शेर भी देखिए, तर्क ताल्लुक अगर तुझको अफसोस हो, तर्क ताल्लुक अगर तुझको अफसोस हो,
वापसी की कभी भी मनाही नहीं, वापसी की कभी भी मनाही नहीं, दूर ढंग से तो मुझसे हुआ ही नहीं, सच तो ये है कि तू बेवफा ही नहीं। और ये मक्ते का शेर भी देखिए, मेरा स्वयं भी कभी कोई अस्तित्व था, मेरा स्वयं भी कभी कोई अस्तित्व था, शाश्वत पुत्र पति या पिता ही नहीं, शाश्वत पुत्र पति या पिता ही नहीं, दूर ढंग से तू मुझसे हुआ ही नहीं, सच तो ये है कि तू बेवफा ही नहीं। और देखिए एक शेर जो बहुत पसंद किया जाता है मेरा, चाय पे चर्चा बहुत लोग करते हैं, तो मेरा चाय पे ये शेर है, चाय पे शायरी, आप सुनिए। एक अलसाया सा वो बदन और फिर, एक अलसाया सा वो बदन और फिर, उसकी उलझी हुई जुल्फ की गुत्थियाँ, एक अलसाया सा वो बदन और फिर, उसकी उलझी हुई जुल्फ की गुत्थियाँ, कत्ल का ये भी सामान कम तो न था, कत्ल का ये भी सामान कम तो न था, उस पे अल्लड़ सी मासूम अंगड़ाइयाँ, उस पे अल्लड़ सी मासूम अंगड़ाइयाँ। और देखिए ये मिसरे, उसको शायद ये एहसास तक भी नहीं, उसको शायद ये एहसास तक भी नहीं, सर से पा तक वो मैं का है पैकर कोई, सर से पा तक वो मैं का है पैकर कोई, उसके होठों ने पल भर छुआ था इन्हें, उसके होठों ने पल भर छुआ था इन्हें, तब से मदहोश हैं चाय की प्यालियां, तब से मदहोश हैं चाय की प्यालियां। बहुत बहुत शुक्रिया। तरन्नुम से एक गजल और पेश करता हूं। मेरी इन चाहतों का तुम जरा सा तो भरम रख दो। सपना सक्सेना जी नमस्कार, शुक्रिया। मेरी इन चाहतों का तुम जरा सा तो भरम रख दो, मेरे इस दिल के सहरा में कभी अपने कदम रख दो, मेरे इस दिल के सहरा में कभी अपने कदम रख दो। चलो सुलझाए मिलकर जिंदगी के पेच हम दोनों, चलो सुलझाए मिलकर जिंदगी के पेच हम दोनों, मेरे शाने पे अपनी जुल्फ के नाजुक से खम रख दो, मेरे शाने पे अपनी जुल्फ के नाजुक से खम रख दो। पुराना जख्म भर जाए तो फिर से वार कर लेना, पुराना जख्म भर जाए तो फिर से वार कर लेना, अभी तो कोई फाहा जख्म पर ए बेरहम रख दो, अभी तो कोई फाहा जख्म पर ए बेरहम रख दो। और ये शेर देखिए, तराजू में रखो तुम एक तरफ मेरी वफाओं को, तराजू में रखो तुम एक तरफ मेरी वफाओं को,
जमाना देख ले दूजी तरफ, अपने सितम रख दो मेरी इन चाहतों का, तुम जरा सा तो भरम रख दो। और ये शेर भी देखिए, हवाएं तेज हैं माजी के कुछ पन्ने न उड़ जाएं, हवाएं तेज हैं माजी के कुछ पन्ने न उड़ जाएं, पुरानी इन किताबों को अभी तो कम से कम रख दो, जरा सा तो भरम रख दो। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल के कुछ शेर और देखिए। दरिया का प्यास से गहरा संबंध है, और मैं दरिया से क्या कहता हूँ, ए दरिया मेरी तिश्नगी के बारे में तेरा क्या ख्याल है, मैं तुझसे क्या कहने वाला हूँ। ए दरिया देख तो लेता कि टकराना कहाँ है, ए दरिया देख तो लेता कि टकराना कहाँ है, मेरी इस तिश्नगी का तुझ पे पैमाना कहाँ है, मेरी इस तिश्नगी का तुझ पे पैमाना कहाँ है। और ये शेर देखिए, सफ़र के वास्ते सामा मेरा तैयार है पर, सफ़र के वास्ते सामा मेरा तैयार है पर, मेरे रहबर बता तो दे मुझे जाना कहाँ है, मेरे रहबर बता तो दे मुझे जाना कहाँ है। और मैं अपने पिता को ये समर्पित करता हूँ, मैं जिस पर बैठकर बचपन में दुनिया देखता था, मैं जिस पर बैठकर बचपन में दुनिया देखता था, मेरी किस्मत में वालिद का वो अफशाना कहाँ है, मेरी किस्मत में वालिद का वो अफशाना कहाँ है। और ये देखिए, कभी ए तख्त लाऊंगा तुझे भी कटघरे में, कभी ए तख्त लाऊंगा तुझे भी कटघरे में, मैं फरियादी हूँ बस मैंने अभी ठाना कहाँ है, मैं फरियादी हूँ बस मैंने अभी ठाना कहाँ है। और हम मजहबों की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा धर्म किसी को रोटी खिलाना है, रोटी बहुत बड़ा धर्म होता है। किसी भूखे को मैं रोटी खिला कर आ रहा हूँ, किसी भूखे को मैं रोटी खिला कर आ रहा हूँ, चलो छोड़ो, किसी भूखे को मैं रोटी खिला कर आ रहा हूँ, चलो छोड़ो कहाँ है दैर बुतखाना कहाँ है, चलो छोड़ो कहाँ है दैर बुतखाना कहाँ है। और ये देखिए, तुम्हारे हाथ के तोते उड़ा देगी ये पल में, तुम्हारे हाथ के तोते उड़ा देगी ये पल में, अभी तुमने हवा के रुख को पहचाना कहाँ है, अभी तुमने हवा के रुख को पहचाना कहाँ है। और ए दरिया देख तो रेता कि टकराना कहाँ है, मेरी इस तिश्नगी का तुझ पे पैमाना कहाँ है। ये गजल तरन्नुम में पेश करता हूँ। मैं अपना चांद एक दिन अपने आंगन में उतारूंगा, मैं अपना चांद एक दिन अपने आंगन में उतारूंगा, मैं अपना चांद एक दिन अपने आंगन में उतारूंगा, और उसकी चांदनी से अपने आंगन को संवारूंगा, कि जिस रास्ते से मेरे घर तलक तुम आओगे एक दिन, के जिस रास्ते से मेरे घर तलक तुम आओगे एक दिन, मैं उस रास्ते को अपनी पलकों से हरदम बुहारूंगा, मैं उस रास्ते
को अपनी पलकों से हरदम बुहारूंगा, मैं अपना चांद एक दिन अपने आंगन में उतारूंगा, हर एक मंदिर में मांगूंगा दुआ मैं तुमको पाने की, हर एक मंदिर में मांगूंगा दुआ मैं तुमको पाने की, हर एक मस्जिद में जाके मैं एक झोली पसारूंगा, हर एक मस्जिद में जाके मैं एक झोली पसारूंगा, मैं अपना चांद एक दिन अपने आंगन में उतारूंगा। मैं अपना चांद एक दिन अपने आंगन में उतारूंगा। अमीन आसिम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ और शेर पेश करता हूँ। और बेटी और माँ का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है। उस रिश्ते के नाम, एक माँ जब अपनी बेटी को जब संवाद करती है, अपनी माँ के खत जब बेटी पाती है, जब माँ का खत बेटी पढ़ती है, तो क्या डायलॉग, क्या गुफ्तगू माँ बेटी के बीच में होती है। तो देखिए, माँ तेरी बेटी के ये दो हाथ क्या पीले हुए, माँ तेरी बेटी के ये दो हाथ क्या पीले हुए, तेरी पलकों के किनारे क्यों भला गीले हुए, तेरी पलकों के किनारे क्यों भला गीले हुए, और पलकों से छूना न माँ जब भी कभी तू खत लिखे, पलकों से छूना न माँ जब भी कभी तू खत लिखे, कितना कुछ कहते हैं ये कागज़ तेरे सिले हुए, कितना कुछ कहते हैं ये कागज़ तेरे सिले हुए, और माँ तेरी बेटी के ये दो हाथ क्या पीले हुए। और ये देखिए, मेरा घर बसना अगर इतना खुशी की बात थी, मेरा घर बसना अगर इतना खुशी की बात थी, फिर ये मंगल गीत भी क्यों इतने दर्दीले हुए, फिर ये मंगल गीत भी क्यों इतने दर्दीले हुए, और मैं पराया धन था ये क्यों रोज़ जतलाया गया, मैं पराया धन था ये क्यों रोज जतलाया गया, कब भरेंगे घाव मेरे इस तरह छीले हुए, कब भरेंगे घाव मेरे इस तरह छीले हुए, माँ तेरी बेटी के ये दो हाथ क्या पीले हुए। और ये मिसरे भी देखिए, जन्म के रिश्तों के बंधन इतने पक्के क्यों न थे, जन्म के रिश्तों के बंधन इतने पक्के क्यों न थे, डोली उठते ही ये बंधन क्यों भला ढीले हुए, डोली उठते ही ये बंधन क्यों भला ढीले हुए, माँ तेरी बेटी के ये दो हाथ क्या पीले हुए, तेरी पलकों के किनारे क्यों भला गीले हुए, और पलकों से छूना न माँ जब भी कभी तू खत लिखे, कितना कुछ कहते हैं ये कागज़ तेरे सीले हुए। और गंगा जमनी तहजीब, जिसकी वजह से हम सब लोग उर्दू से जुड़े हुए हैं, उसको नज़र करता हूँ मैं ये कुछ पंक्तियाँ अपनी, और ये मेरे सिग्नेचर शेर हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। ये वो शेर हैं, वो पंक्तियाँ हैं जिन्होंने मुझे एक ख़ास पहचान दिलाई है मंचों पर। बहुत पसंद किया जाता है, आपका बहुत प्यार मिलता है। तो सुनिए, वो अपने दिल में मेरी याद मेरा आगम भी रखता है, वो अपने दिल में मेरी याद मेरा आगम भी रखता है, और उस पर गुफ्तगू का सिलसिला कुछ कम भी रखता है, और उस पर गुफ्तगू का सिलसिला कुछ कम भी रखता है, और मुझे उसके दिए जख्मों से क्यों होती नहीं तकलीफ, मुझे उसके दिए जख्मों से क्यों होती नहीं तकलीफ, वो शायद अपने खंजर पर कोई मरहम भी रखता है।
वो शायद अपने खंजर पर कोई मरहम भी रखता है। वाह अमीना सिंह साहब, लव फ्रॉम पाकिस्तान एंड खाना, ही आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप पाकिस्तान से जुड़े हैं तो देखिए इस माहौल को मैं नजर करता हूँ, ये खास मिसरे कि ये नफरत की नदी क्यों लाइए गांधी का वो दर्शन, ये नफरत की नदी क्यों लाइए गांधी का फलसफा, ये नफरत की नदी क्यों लाइए गांधी का फलसफा, जो गंगा जल तो रखता है मगर जमजम भी रखता है, जो गंगा जल तो रखता है मगर जमजम भी रखता है, वो अपने दिल में मेरी याद मेरा गम भी रखता है, और मुझे उसके दिए जख्मों से क्यों होती नहीं तकलीफ, वो शायद अपने खंजर पर कोई मरहम भी रखता है। तो देखिए हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ सबको ये दर्द अभी तक सालता है। तो देखिए ये मिसरे देखिए, रूबरू आज वो सूरत गुलाब जैसी है, रूबरू आज वो सूरत गुलाब जैसी है, या इलाही ये हकीकत भी ख्वाब जैसी है, या इलाही ये हकीकत भी ख्वाब जैसी है। और ये जो बंटवारा, ये जो दूरियां, ये जो फ़र्क है वो एक्चुअल में नहीं है, वो हकीकत में नहीं है। तो उसी के लिए ये ख़ास मिसरे, एक हल्की सी जो दीवार है दरमियाँ अपने, एक हल्की सी जो दीवार है दरमियाँ अपने, इस पे दस्तक तो ज़रा दो ये बाप जैसी है, इस पे दस्तक तो ज़रा दो ये बाप जैसी है, रूबरू आज वो सूरत गुलाब जैसी है। और देखिए, क्यों मेरे सीने को बांटा धरती यही पुकार उठी, क्यों मेरे सीने को बांटा धरती यही पुकार उठी, एक हूक सी सरहद के इस पार उठी उस पार उठी, एक हूक सी सरहद के इस पार उठी उस पार उठी, और अरमानों की मैयत उठने का कोई अफसोस न था, अरमानों की मैयत उठने का कोई अफसोस न था, सिर्फ यही अफसोस किए आज सरे बाजार उठी, सिर्फ यही अफसोस किए आज सरे बाजार उठी, एक हूक सी सरहद के इस पार उठी उस पार उठी, क्यों मेरे सीने को बांटा धरती यही पुकार उठी। और देखिए मैं फिर से तरन्नुम की तरफ आता हूँ, कुछ पंक्तियाँ तरन्नुम में लय में प्रस्तुत करता हूँ आपके सामने। देखिए मुलाहिजा फरमाइए, आपकी हौसला अफजाई चाहूँगा। मेरी मानो मेरी मानो, यूं बेपर्दा निकलो ना तुम, चांदनी हर तरफ ही बिखर जाएगी। मेरी मानो यूं बेपर्दा निकलो ना तुम, चांदनी हर तरफ ही बिखर जाएगी। मेरी मानो राह में हर मुसाफिर भटक जाएगा, चांद से चेहरे पर जब नजर जाएगी। मेरी मानो तुमको देखा तो दिल पंछी बन उड़ चला, दिल की परवाज में कैसे रोकूं भला, पर हवा इस जमाने की है बेरहम, भोले पंछी के पर खुद कतर जाएगी। मेरी मानो यूं बेपर्दा निकलो ना तुम, चांदनी हर तरफ ही बिखर जाएगी। मेरी मानो होंगे कितने तुम्हारे दीवाने यहाँ, होंगे कितने तुम्हारे दीवाने यहाँ, एक हसरत हुई मेरे दिल में जमा, एक हसरत
हुई मेरे दिल में जवां, जिसको चाहोगी तुम खुश नसीब होगा वो, शर्तिया उसकी किस्मत संवर जाएगी, मेरी मानो मेरी मानो। तुमसे मिलने की दिल में हुई है कसक, तुमसे मिलने की दिल में हुई है कसक, आ भी जाओ कभी मिलने तुम मुझ तलक, आ भी जाओ कभी मिलने तुम मुझ तलक, वरना होगा कि एक दिन की मेरी जगह, वरना होगा यूं एक दिन कि मेरी जगह, तुम तलक सिर्फ मेरी खबर जाएगी, मेरी मानो मेरी मानो। ढल गई शाम अब हो गई है सुबह, ढल गई शाम अब हो गई है सुबह, ख्वाब उल्फत का टूटा ये अच्छा हुआ, नींद की एक खुमारी जो आँखों में है वो खुमारी भी जल्दी उतर जाएगी, मेरी मानो मेरी मानो। यूं बेपर्दा निकलो ना तुम, चांदनी हर तरफ ये बिखर जाएगी, मेरी मानो। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं। मैं अपने कुछ और मिसरे आप सबके सामने रखता हूँ। दोस्तों के नाम, तमाम अहबाब के नाम। देखिए, शायर कहता है, कोई शायर कहता है, इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊँगा, अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊँगा। और देखिए मैं क्या कहता हूँ, टूटन है, टूटन है, कोई आए बिखेरे मुझको, कितनी टूटन है, कोई आए बिखेरे मुझको, इससे पहले कि समेटे ये अंधेरे मुझको। जी बहुत बहुत सुन रहे हैं। इतनी टूटन है, कोई आए बिखेरे मुझको, इससे पहले कि समेटे ये अंधेरे मुझको। और अब वो सूरज भी कहीं थक के चला है ढलने, अब वो सूरज भी कहीं थक के चला है, जरूर सा दिखता था सवेरे मुझको, अब वो सूरत आज वो सूरज भी कहीं थक के चला है ढलने, कितना मगरूर सा दिखता था सवेरे मुझको, कितना मगरूर सा दिखता था सवेरे मुझको। कुछ खास अहबाब के नाम, कुछ खास दोस्तों के नाम। देखिए ये इसमें तंज देख सकते हैं या जो भी, एक हकीकत कई बार दोस्ती की, और मुझसे किस प्यार से लिपटे हैं मेरे दोस्त कई, मुझसे किस प्यार से लिपटे हैं मेरे दोस्त कई, देखते हैं जो यूं हैरत से सपेरे मुझको, देखते हैं जो यूं हैरत से सपेरे मुझको, और कितनी टूटन है, कोई आए बिखेरे मुझको, इससे पहले कि समेटें ये अंधेरे मुझको। एक गीत का मुखड़ा आपके सामने रखना चाहता हूँ। तमाम दुनिया के लोग जुड़े हैं तो हिंदी, शुद्ध हिंदी का गीत है, उसका ज़्यादा एक आध बंद ही पेश करूँगा। मन आंगन के द्वार तो खोलो सजना, आन खड़े हैं सजना, आन खड़े हैं। मन आंगन के द्वार तो खोलो सजना, आन खड़े हैं सजना, आन खड़े हैं। सपनों में सच्चाई घोलो सजना, आन खड़े हैं सजना, आन खड़े हैं। बंद किवाड़ों के पीछे से क्या संसार दिखेगा, बंद किवाड़ों के पीछे से
क्या संसार दिखेगा, खिड़की के धुंधले शीशों से कैसे पार दिखेगा, कैसे पार दिखेगा, खिड़की के शीशों को धो लो सजना आन खड़े हैं, सजना आन खड़े हैं, कितनी लहरों से लड़कर मोती तट तक पहुंचा है, कितनी लहरों से लड़कर मोती तट तक पहुंचा है, सिकता के इस मूक हृदय की आहट तक पहुंचा है, सिकता यानी रेत के इस खामोश दिल की आहट तक, कितनी लहरों से लड़कर मोती तट तक पहुंचा है, सिकता के इस मूक हृदय की आहट तक पहुंचा है, आहट तक पहुंचा है, मन की सारी सीप टटोलो सजना आन खड़े हैं, सजना आन खड़े हैं, मन आंगन के द्वार तो खोलो सजना आन खड़े हैं, सजना आन खड़े हैं। कुछ खास शेर आप लोगों के सामने रखता हूं। देखिए, अचानक मुस्कुराते आ रहे हैं वो मेरी जानिब, अचानक मुस्कुराते आ रहे हैं वो मेरी जानिब, कहाँ से निकला है सूरज कहाँ मशरिक कहाँ मगरिब, कहाँ से निकला है सूरज कहाँ मशरिक कहाँ मगरिब, और अचानक मुस्कुराते आ रहे हैं वो मेरी जानिब, कहाँ से निकला है सूरज कहाँ मशरिक कहाँ मगरिब, और पढ़ेंगे क्या किताबें अब है हावी राग दरबारी, पढ़ेंगे क्या किताबें अब है हावी राग दरबारी, कलम गिरवी रखे बैठा है अब हर दूसरा कातिब, कलम गिरवी रखे बैठा है अब हर दूसरा कातिब। और ये देखिए, चलो अच्छा है वो हद से ज़्यादा हो गए आलिम, चलो अच्छा है वो हद से ज़्यादा हो गए आलिम, हमें तो सीखना है हम रहेंगे उम्र भर तालिब, हमें तो सीखना है हम रहेंगे उम्र भर तालिब। और ये शेर भी देखिए, कभी हम जैसे जाहिलों, कभी हम जाहिलों की भी सुनो इल्मो अदब वालों, कभी हम जाहिलों की भी सुनो इल्मो अदब वालों, ज़रूरी तो नहीं हर शख्स ही हो मीर या गालिब, ज़रूरी तो नहीं हर शख्स ही हो मीर या गालिब, अचानक मुस्कुराते आ रहे हैं वो मेरी जानिब। और ये खुसूसी शेर आप देखिए, गज़ल का शेर है, और ये देखिए कि अचानक मुस्कुराते आ रहे हैं वो मेरी जानिब, जिन्हें चाहा है हमने टूटकर, जिसे चाहा है हमने टूटकर वो ख़ास ही होगा, जिसे चाहा है हमने टूटकर वो ख़ास ही होगा, अगर इतरा रहे हैं वो तो है ये बात भी वाजिब, अगर इतरा रहे हैं वो तो है ये बात भी वाजिब, अचानक मुस्कुराते आ रहे हैं वो मेरी जानिब, कहाँ से निकला है सूरज कहाँ मशरिक कहाँ मगरिब। और आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए कुछ और अशआर आपके सामने रखता हूँ। देखिए, कहाँ ठहराव में है चैन लहरों के सवारों को, कहाँ ठहराव में है चैन लहरों के सवारों को, कि चल पड़ते हैं फिर सागर में ये
छूकर किनारों को, कि चल पड़ते हैं फिर सागर में ये छूकर किनारों को। और ये देखिए, है उनका हाथ मेरी पीठ पर, है शुक्रिया तेरा, है उनका हाथ मेरी पीठ पर, है शुक्रिया तेरा, मगर खंजर न दे देना खुदा तू मेरे यारों को, मगर खंजर न दे देना खुदा तू मेरे यारों को। और ये शेर देखिए, अंधेरे रास्तों में ये ही बनते हैं मेरे रहबर, अंधेरे रास्तों में ये ही बनते हैं मेरे रहबर, बड़ा महफूज रखता हूँ मैं सीने के शरारों को, बड़ा महफूज रखता हूँ मैं सीने के शरारों को। और ये भीगे मौसमों से आप बच्चों को डराते हो, ये भीगे मौसमों से आप बच्चों को डराते हो, हथेली पर सजाने दो तो बारिश की फुहारों को, हथेली पर सजाने तो दो बारिश की फुहारों को, और कहाँ ठहराव में है चैन लहरों के सवारों को, कि चल पड़ते हैं फिर सागर में ये छूकर किनारों को। और देखिए, वक्त बीतता है उम्र बीतती है, तो देखिए मेरे ये अशार आपके सामने हैं। रोहित राकेश अग्रवाल जी बहुत बहुत स्वागत, अर्चना खापरान जी बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया। देखिए, सिर्फ वक्त ही नहीं साथ में, सिर्फ वक्त ही नहीं साथ में, हम भी कुछ कुछ बीत चले हैं, सिर्फ वक्त ही नहीं साथ में, हम भी कुछ कुछ बीत चले हैं, जोश जुनून के गहरे सागर धीरे धीरे रीत चले हैं, जोश जुनून के गहरे सागर धीरे धीरे रीत चले हैं। और ये देखिए, दुनियादारी के रागों में दिल की सरगम कब सुन पाए, दुनियादारी के रागों में दिल की सरगम कब सुन पाए, आज कहीं खामोशी में सुनने दिल का संगीत चले हैं, आज कहीं खामोशी में सुनने दिल का संगीत चले हैं, सिर्फ वक्त ही नहीं साथ में, हम भी कुछ कुछ बीत चले हैं, सिर्फ वक्त ही नहीं साथ में, हम भी कुछ कुछ बीत चले हैं। और ये देखिए, उम्मीदों के घोड़े लेकर एक सफ़र पर हम निकले थे, उम्मीदों के घोड़े लेकर एक सफ़र पर हम निकले थे, दिल की मंजिल बहुत दूर है, रास्ते हमसे जीत चले हैं, दिल की मंजिल बहुत दूर है, रास्ते हमसे जीत चले हैं, दिल की मंजिल बहुत दूर है, रास्ते हमसे जीत चले हैं। हमीद गौहर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और इस गज़ल के ये ख़ास शेर देखिए, कब तक पूजा की मूरत सा, कब तक पूजा की मूरत सा, मन मंदिर में इन्हें संजोए, कब तक पूजा की मूरत सा, मन मंदिर में इन्हें संजोए, आज बाजारों में बिकने को देख हमारे गीत चले हैं, आज बाजारों में बिकने को देख हमारे गीत चले हैं, कब तक पूजा की मूरत सा, मन मंदिर में इन्हें संजोए, आज बाजारों में बिकने को देख हमारे गीत चले हैं, सिर्फ वक्त ही नहीं साथ में, हम भी कुछ कुछ बीत चले हैं, जोश जुनून के गहरे सागर धीरे धीरे रीत चले हैं। और देखिए, वक्त बहुत हो रहा है तो कुछ लाइनें, कुछ पंक्तियां, कुछ मिसरे पेश करता हूँ, और आपकी जहमतें तमाम, इतनी देर से तक आप सब लोग जुड़े हुए हैं। देखिए, तू चांद है कोई आसमां से, मैं एक दीपक हूँ इस जहां से, मैं एक दीपक हूँ इस जहां से, तू चांद है
कोई आसमां से, मैं एक दीपक हूँ इस जहां से, मैं एक दीपक हूँ इस जहां से। लिए मिलन की मैं एक हसरत, तुझे देखता हूँ बस यहाँ से, तुझे देखता हूँ बस यहाँ से। तू चांद है कोई आसमां से, मैं एक दीपक हूँ इस जहाँ से, मैं एक दीपक हूँ इस जहाँ से। रहे तू रोशन सदा फलक पर, है जलते रहना मेरा मुकद्दर, है जलते रहना मेरा मुकद्दर, है जलते रहना मेरा मुकद्दर। रहे तू रोशन सदा फलक पर, है जलते रहना मेरा मुकद्दर, है जलते रहना मेरा मुकद्दर। जलूंगा पर मैं न उफ करूंगा, कभी भूल से भी इस जुबान से, कभी भूल से भी इस जुबान से। तू चांद है कोई आसमां से, मैं एक दीपक हूँ इस जहां से, मैं एक दीपक हूँ इस जहां से। ए आसमां के हसी मुसाफिर, है आसमां के हसी मुसाफिर, है आसमां के हसी मुसाफिर, मेरा ये दिल है तेरा मुंतजर, मेरा ये दिल है तेरा मुंतजर। तड़प रहा हूँ मैं तेरी खातिर, मेरी जान है यहाँ पे हाजिर, है मेरी जान भी यहाँ पे हाजिर। मुझे यकीन है तू एक दिन तो उतर ही आएगा कहकशां से, उतर ही आएगा कहकशां से। तू चांद है कोई आसमां से, मैं एक दीपक हूँ इस जहां से, मैं एक दीपक हूँ इस जहां से। आप लोगों ने बहुत वक्त दिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान के दुनिया के हर हिस्से से लोग जुड़े हुए हैं, और इसी तरह से हौसला अफजाई करते रहिएगा।